Hello, my dear students. Welcome back to the online class of English. Let's learn the next question. The question is, imagine that, you have lost your secondary marksheet. आप अपनी दसवीं की मार्कशीट खो चुके हो somewhere, कहीं पर. एट प्रेजेंट और वर्तमान में यू नीड इट टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब और वर्तमान में आपको एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता है. राइट ए लेटर टू द सेक्रेटरी. आपको लेटर लिखना है किसको? सेक्रेटरी, सचिव को. सचिव कहाँ का? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर. अजमेर में जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है राजस्थान का, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके सचिव को लेटर लिखना है. किस लिए? टू इश्यू यू ए डुप्लीकेट मार्कशीट. आपको एक डुप्लीकेट मार्कशीट जारी करने के लिए, देने के लिए. बात यहां पर आती है कि डुप्लीकेट क्यों, ओरिजिनल क्यों? ओरिजिनल एक ही बार जारी की जाती है, वो गुम हो जाती है. तो आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो दूसरी जारी की जाती है वो ओरिजिनल नहीं होती है, वो टू कॉपी होती है उसकी. इसीलिए वो ये नकली होती है, उसके ऊपर लिखा जाता है डुप्लीकेट कॉपी. नकली का मतलब क्या? नकल की हुई. नकली का मतलब क्या है? उसकी नकल की हुई, डॉक्यूमेंट्स की नकल की हुई. नकली का मतलब फर्जी नहीं है. फर्जी अलग है और नकली अलग है. ओके, तो यहां पर इसका मतलब, डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं है कि वो चलेगी नहीं. चलेगी नहीं तो क्या है, उसकी जरूरत क्यों है फिर? वो हर जगह चलती है और उसके ऊपर लिखा हुआ था डुप्लीकेट कॉपी. और जब जॉब प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद में इंक्वायरी आती है बोर्ड पर, और बोर्ड पर आपके जो बोर्ड में जो आपके दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स वगैरह पास किए, वो रिकॉर्ड बिल्कुल उस मार्कशीट के अकॉर्डिंग सही निकलता है, सही रहता है, तो क्या आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आती और आप जॉब प्राप्त करते हो, आप जॉब करते रहते हो. अब यहाँ पर देखो, इसीलिए क्या है क्वेश्चन, क्या है कि आपकी टेंथ की मार्कशीट कहीं पर खो गई, आपको दूसरी जरूरत है, दूसरी मार्कशीट की जरूरत है, मतलब उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी की जरूरत है उसी मार्कशीट की आपको जरूरत है. किस लिए? गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए. इसलिए बोर्ड का जो सचिव होता है उसके नाम आपको लेटर लिखना है. अब यहाँ पर आपका एड्रेस देखो, घर का एड्रेस ये सेम आ रहा है, आपका मकान नंबर, इलाका आ गया आपका उपनगर है. जैसे कि आप अलवर के हो, सपोज करो, मानो कि आपने अलवर लिख दिया, जिस दिन एग्जाम में लिखते हो उस दिन की तारीख आ जाएगी. लेटर का मतलब क्या है? जिस दिन लिखते हैं उसी दिन की तारीख लिखी जाती है. जैसे मैं आज लिखूंगा तो आज की डेट लिखूंगा, लेकिन सपोज करो आप एग्जाम 8 मार्च को जनरली होती है, तो 8 मार्च के दिन ये तारीख लिखते हो आप. इसके बाद में किसको? द सेक्रेटरी. ये पद है, पद से पहले दे का यूज होता है. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, ये पिछले वाले लेटर में समझा चुका हूं, क्योंकि राजस्थान पहले इसलिए आया कि बोर्ड के नाम के साथ और नीचे अजमेर आ गया. अब बात करते हैं सब्जेक्ट की. टू इश्यू ए डुप्लीकेट मार्कशीट, एक डुप्लीकेट मार्कशीट जारी करने के लिए. देखो यहां पर आपको कई किताबों में यहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ मिलेगा, याद रखना यहां पर फुल स्टॉप गलत माना जाता है. क्यों? कारण क्या है? फुल स्टॉप सेंटेंस के आगे आता है, ये एक सेंटेंस नहीं है, ये एक फुल्ली सेंटेंस नहीं है, पूरा सेंटेंस नहीं है. जब एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, चाहे दो ही शब्दों का क्यों ना होगा, उसके आगे फुल स्टॉप लगता है. तो टू इश्यू ए डुप्लीकेट मार्कशीट, एक डुप्लीकेट मार्कशीट जारी करने के लिए. सर विथ ड्यू रेस्पेक्ट, अत्यधिक आदर के साथ, आई वुड लाइक टू स्टेट दैट, मैं ये बताना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि आई पास्ट, पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आई पास्ट माई सेकेंडरी एग्जाम, मैंने मेरी दसवीं की परीक्षा पास की. इन द ईयर, किस ईयर में? 2016 में, विथ 96% के साथ. अब बात आगे करते हैं. देखो पैराग्राफ चेंज है यहाँ पर, और पैराग्राफ चेंज है तो देखो, व्हाइल ट्रैवलिंग, वाहिल का मतलब क्या है? उस पॉइंट, उस टाइम को दर्शाता है कि किस वक्त यात्रा करते हुए. वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू सीकर, दिल्ली से सीकर, फ्रॉम दिल्ली टू सीकर, दिल्ली से कहाँ? सीकर, दिल्ली से शुरू कर होकर सीकर जा रहे थे, इस तरह का मतलब है यहाँ पर. तो वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू सीकर, दिल्ली से सीकर यात्रा करते हुए, किसमें? इन ए ट्रेन, ट्रेन में. अब गैप आ रहा है, थोड़ी रुकावट आ रही है, तो कुमा आ गई, ठीक है, कुमा आ गई. और यहाँ पर भी वाइल से शुरू हो रहा है, कंजक्शन पहले आता है सपोज करो, तो यहाँ पर बीच में कुमा आती है, एक रुकावट आ रही है तो भी कुमा आ रही है यहाँ पर.
तो व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू सीकर इन ए ट्रेन, ट्रेन में दिल्ली से सीकर यात्रा करते हुए या यात्रा करते समय, व्हाइल को मैं समय कहूंगा, यात्रा करते समय माई बैग, मेरा बैग विथ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के साथ या डॉक्यूमेंट सहित मेरा बैग वाज स्टोलन, चुरा लिया गया। पैसिव में देखो सेंटेंस, वाज स्टोलन, कहाँ चुरा लिया गया? नियर लोहारू रेलवे स्टेशन, लोहारू रेलवे स्टेशन के नज़दीक मेरा बैग डॉक्यूमेंट सहित चुरा लिया गया। कब? एट नाइट, रात के समय, यात्रा रात के समय कर रहा था। इसके बाद में आई रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट, मैंने एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई, मतलब एफआईआर, कोष्टक ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एफआईआर, मैंने एक एफआईआर भी दर्ज कराई। किसके खिलाफ? अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, एन अननोन पर्सन, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, इन ए नियर बाई पुलिस स्टेशन, नज़दीकी पुलिस थाने में मैंने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई। बट आई हैव नॉट गॉट, आई हैव नॉट गॉट, देखो परफेक्ट का है, आई हैव नॉट गॉट इट येट, मतलब अभी तक, लेकिन अभी तक मुझे यह नहीं मिली है, मैंने इसको प्राप्त नहीं किया है। अब एक बात पूरी हो गई तो पूरी हो गई, अब अगली कुछ अलग कहना चाह रहे हो तो वहीं पर पैराग्राफ चेंज कर दो आप। तो देखो नाउ, अब आई नीड द मार्क शीट, मुझे इस मार्क का मतलब निश्चित हो गई, ये जो गुमी है वो। नाउ आई नीड द मार्क शीट, अब मुझे इस मार्क शीट की आवश्यकता है, किस लिए? टू ज्वाइन, इन्फिनिटिव वर्ब है देखो, टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, यहां पर टू का मतलब क्या है? के लिए, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। आगे क्या? आई हैव ऑलरेडी पेड, परफेक्ट का सेंटेंस है, आई हैव ऑलरेडी, मैंने पहले से ही पे कर दिया है, क्या? द सेड अमाउंट, सेड का मतलब बताई गई राशि, ठीक है, बताई गई राशि, सेड अमाउंट का मतलब क्या है? बताई गई राशि, आई हैव ऑलरेडी पेड द सेड अमाउंट, मैंने बताई गई राशि जमा करवा दी है पहले ही, कितनी? कोमा लगा कर रुपीज 400, 400 रुपये फॉर दिस पर्पस, इसके लिए या इस उद्देश्य के लिए। द रिसीप्ट ऑफ द पेड अमाउंट इज ऑल्सो बींग इनक्लोज्ड, अब रसीद का नंबर भी बता सकते हो या डायरेक्ट भी कह सकते हो आप कि द रिसीप्ट ऑफ द पेड अमाउंट है। देखो यहाँ पर इज वर्ब यहाँ पर है, ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पर, द रिसीप्ट ऑफ द पेड अमाउंट, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, जमा करवाई गई, द रिसीप्ट ऑफ द पेड अमाउंट, जमा करवाई गई राशि की रसीद, पेड अमाउंट मतलब जमा करवाई गई राशि, ऑफ की रिसीप्ट रसीद, जमा करवाई गई राशि की रसीद इज, एक वचन इज आ गया, इज ऑल्सो बींग enclosed, देखो being क्या के ईडी, being enclosed मतलब इसके साथ लगाई जा रही है, पैसिव में सेंटेंस, विद दिस एप्लीकेशन मतलब इस एप्लीकेशन के साथ ये रसीद भी लगाई जा रही है। माय डिटेल्स आर एज फॉलो, और मेरी जो जानकारी है, डिटेल है, वो आगे दिए अनुसार है मार्कशीट के बारे में। तो अब वही आ गया, देखो आपका नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम पास्ट, दसवीं की बात की जा रही है, रोल नंबर लिख देना, सेशन लिख देना है। देखो यहाँ पर क्या है, आप लिखोगे कब पास की, 2016 वगैरह में पास की, इसमें यदि ऐसा आया तो यहाँ पर भी सेम वही होगा, यहाँ पर देखो 2016 है तो यहाँ पर भी 2015-16 सेशन लिखोगे, नेम ऑफ द स्कूल लिखोगे, नेम ऑफ द सेंटर लिखोगे, सेंटर का मतलब आपका सेंटर कौन सी स्कूल में था, जैसे कि ये सब पिछले लेटर में हम लिख चुके हैं, उसी तरह से आप ये लिख सकते हो। नाम इसमें रहेगा वही लास्ट में रहेगा, अब इसके आगे हमें लिखना है और, तो वो देखो किस तरह से लिखेंगे हम इसके आगे का जो पार्ट है वो किस तरह से लिखा जाएगा, इस पर ध्यान दो आप। अब देखो, अब पैराग्राफ चेंज करके, इतना पूरा हो गया, सेंटर का नाम लिख दिया, सेंटर का नाम लिख रहा हूँ मैं, जैसे कि गवर्नमेंट से पास किया आपने, गवर्नमेंट स्कूल में सेंटर था, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस तरह से आगे क्या, स्थान का नाम लिख दिया आपने, जैसे कि यहाँ अलवर की बात है तो आपने लिख दिया अलवर, और यहाँ पर भी क्या आपके स्कूल का नाम लिख सकते हो जिस स्कूल से पास किया आपने। अब बात यहाँ पर ये करते हैं कि आगे का पूरा प्रोसीजर बता दिया, अब निवेदन किया जाएगा प्राप्त करने के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू इश्यू मी, मुझे देने के लिए, जारी करने के लिए, ए
डुप्लीकेट, ए डुप्लीकेट मार्कशीट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना। एक डुप्लीकेट मार्कशीट जारी करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसके बाद में क्या है, यहां जैसे इतना निवेदन कर दिया और अवेटिंग या होपिंग डायरेक्ट लिख सकते हो, होपिंग, या फिर एक दो लाइन आप बढ़ाकर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, बढ़ाकर भी लिख सकते हो। जैसे कि क्या है, होप से होप यू विल लुक इन टू द मैटर इमीडिएटली, एंड इमीडिएटली एंड ट्राई टू इश्यू मी माई डुप्लीकेट मार्कशीट। बस देखो यहां पर पहले में क्या है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू इश्यू मी ए डुप्लीकेट मार्कशीट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके मार्कशीट देने के लिए या जारी करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। और फिर लिखा आपने, आशा है कि यू विल लुक इन टू द मैटर इमीडिएटली, कि विषय पर तुरंत ध्यान दोगे, एंड ट्राई टू इश्यू मी माई डुप्लीकेट मार्कशीट, और मेरी जो डुप्लीकेट मार्कशीट है वो जारी करने का प्रयास करोगे। थैंकिंग यू। इन एंटीसिपेशन भी लिख सकते हो, इन एंटीसिपेशन। देखो ये स्पेलिंग गलती मत करना, या आप इतना भी लिख सकते हो थैंकिंग यू धन्यवाद, इसको आप लिख सकते हो बिना गलती के तो लिखो, वरना कोई जरूरत नहीं है। एंटीसिपेशन मतलब आशा के साथ धन्यवाद देते हुए। अब योर्स फेथफुली, यहां पर जो नाम है वही नाम यहां पर आएगा। जैसे यहां पर मैंने नाम लिख दिया राजन सिंह, तो यहां पर भी आप क्या लिखोगे, राजन सिंह। ये लगाने के बाद में आपने साथ कुछ लगाया है तो वो भी लाइन छोड़ के लिख सकते हो आप, एनक्लोजर्स में मतलब साथ कौन कौन सी चीजें लगाई है आपने कौन कौन सी साथ चीजें लगाई है। अब दो चीजें हैं तो सबसे पहले देखो है ना, जेरोक्स कॉपी ऑफ सेकेंडरी मार्कशीट, ये भी आपने साथ लगाई, यदि लगाई है तो ये भी लिख दिया। दूसरा है रिसिप्ट ऑफ द सेड अमाउंट, बताई गई राशि की रसीद। बस ये लो, अब यह आपका लेटर पूरा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, यह आपको समझा दिया। और इसके आगे अगली क्लास में।